वहीं कोरोना को लेकर एक बार फिर से चर्चाओं का बाजार गर्म हो चुका है। कोरोना को लेकर नीति आयोग के दिए बयान के बाद से लोगों के माथे पर चिंता की लकीरें खिंचती हुई दिखाई दे रही है। नीति आयोग का कहना है कि आगामी सितंबर में प्रतिदिन 4 लाख से ज्यादा केस सामने आ सकते हैं, यानी एक बार फिर स्वास्थ्य विभाग का चेकअप होगा, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर में भारत में जो अव्यवस्था पैदा हुई थी उसको लेकर केंद्र सरकार काफी घिरी, साथ ही यूपी की योगी सरकार की तो काफी फजीहत भी हुई थी। वहीं विपक्षी दल योगी सरकार पर कई गंभीर आरोप भी लगा रही थी, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि अगर तीसरी लहर भारत में दस्तक देती है तो क्या भारत उसके लिए तैयार है। तो चलिए देखते हैं इसी पर हमारी खास रिपोर्ट। कोरोना की तीसरी लहर पर चर्चा फिर गर्म है। सरकार की एक रिपोर्ट में इसे लेकर चेतावनी दी गई है। बताया गया है कि सितंबर से अक्टूबर के बीच किसी भी समय देश में कोरोना की तीसरी लहर दस्तक दे सकती है। बात सिर्फ यही खत्म नहीं होती। एक अलग रिसर्च में वैज्ञानिकों ने यह भी बता दिया है कि तीसरी लहर कब पीक पर पहुंचेगी। महामारी की मैथमेटिकल कैलकुलेशन के आधार पर पूर्वानुमान लगाने वाली टीम में शामिल वैज्ञानिक ने बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि कोरोना की तीसरी लहर नवंबर में चरम पर होगी। ऐसा तभी होगा अगर कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट के अलावा और स्वरूप सामने आते हैं, साथ ही वे सितंबर के अंत तक पूरी तरह से सक्रिय होते हैं। उनका कहना है कि कोरोना की दूसरी लहर की तरह तीसरी लहर में मामलों में तेजी नहीं आएगी और संभव है कि इससे काफी हद तक पहली लहर की तरह स्थिति उत्पन्न होगी। नीति आयोग ने जारी किया अलर्ट। नीति आयोग के सदस्य और केंद्र सरकार के कोविड-19 टास्क फोर्स का नेतृत्व कर रहे वीके पॉल ने कहा, कोरोना वायरस की अगली लहर में 23% लोगों को अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत पड़ सकती है। ऐसे में केंद्र सरकार को करीब 2 लाख आईसीयू बेड तैयार रखने चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि सितंबर में भारत में प्रतिदिन संक्रमण के करीब 4 से 5 लाख मामले सामने आ सकते हैं। वैज्ञानिकों ने दावे को किया खारिज। वहीं देश के वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि देश में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका अब नहीं के बराबर है। दावा किया जा रहा है कि इसके पीछे वजह बड़ी संख्या में वैक्सीन लगना है। उनका ये दावा मैथमेटिकल मॉडल पर आधारित है। वैज्ञानिक ने कहा, अक्टूबर तक देश में कोरोना संक्रमण के एक्टिव केस 15,000 के करीब ही रह जाएंगे। इसकी वजह तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक, असम, अरुणाचल समेत पूर्वोत्तर के राज्यों में संक्रमण की मौजूदगी रहेगी। वहीं उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली और मध्य प्रदेश जैसे राज्य संक्रमण से लगभग मुक्त हो जाएंगे। इन सब के बीच यूपी में भी स्कूल खुल गए हैं। स्कूल खुलने पर कई तरह के खतरे हैं। सबसे पहली बात यह है कि बच्चों का वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। अभी देश में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को ही टीका लग रहा है। स्कूल में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को कैसे लागू कराया जाएगा ये सुनिश्चित करना मुश्किल है। तीसरा, कोरोना की दूसरी लहर में पूरे देश ने इस वायरस का कोहराम देखा है। देश में बच्चों के लिए वैसे भी मेडिकल फैसिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मजबूत नहीं है। बच्चे संक्रमित हुए तो इनके साथ पेरेंट्स को भी रहना पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश में आज
से स्कूल खुल गए हैं और स्कूल खुलने के साथ साथ बच्चों के लिए खतरा और भी बढ़ गया है, क्योंकि बच्चों के अभी वैक्सीनेशन भी नहीं हुए हैं और भारत के अंदर जो वैक्सीन लग रही है वो 18 साल से जो ज़्यादा के उम्र के लोग हैं उन्हीं को अभी वैक्सीन लग रही है। तो कहीं ना कहीं बच्चों के लिए खतरा और ही बढ़ रहा है। अभी फिलहाल ये भी सुनिश्चित करना मुश्किल होगा कि स्कूल के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो पाएगा या नहीं। जिस तरीके से दूसरी लहर ने, कोरोना की जो दूसरी लहर थी उसने जिस तरीके से कोहराम मचाया था, तीसरी लहर की भी आशंका वैज्ञानिक जता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर बच्चे कोरोना से संक्रमित होते हैं तो उनके साथ साथ उनके पेरेंट्स भी संक्रमित हो सकते हैं। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ रेहान अनवर, लखनऊ। कोरोना जिस तरह देश में बार बार दस्तक दे रहा है उससे हर कोई परेशान है, बेबस है, क्योंकि जब इसका प्रकोप बढ़ता है तब हर कोई इसकी जद में आ जाता है। खासकर व्यापार पर इसका गहरा असर पड़ता है। मालूम हो कि जैसे ही कोरोना अपना प्रचंड रूप दिखाता है वैसे ही केंद्र सरकार द्वारा सख्त लॉकडाउन लगाने के आदेश जारी कर दिए जाते हैं। ऐसे में अगर एक बार फिर सितंबर में कोरोना की लहर आती है तो एक बार फिर व्यापारियों के चेहरे मायूस हो जाएंगे। कोरोना की दूसरी लहर ने अगर सबसे ज्यादा कहीं कहर बरपाया तो वो राज्य था यूपी। जी हाँ, कोरोना की दूसरी लहर की आग में सबसे ज्यादा अगर कोई जला तो वो यूपी था। ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर जैसी स्थिति इस राज्य में पैदा हुई ऐसी किसी राज्य में पैदा नहीं हुई। ऑक्सीजन को लेकर पक्ष और विपक्ष के नेताओं में भी काफी तू-तू मैं-मैं हुई। सरकार ने कहा कोई भी मृत्यु ऑक्सीजन की कमी को लेकर नहीं हुई। साथ ही सरकार ने कहा कि यूपी में स्वास्थ्य व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम भी थे। इसके जवाब में विपक्ष तुरंत सामने आया और सरकार को तुरंत खरी खोटी सुना दी। लगातार कोरोना से लोगों की मौतें हो रही हैं और उत्तर प्रदेश की सरकार अपनी कमी छिपाने के लिए लोगों को धमका रही है। तो मैं उत्तर प्रदेश सरकार से पूछता हूं कि उत्तर प्रदेश के जो सांसद हैं मोहनलालगंज से, मेरठ के, और उनके जो मंत्री हैं, सरकार की ऑक्सीजन कमी होने पे, बेड की कमी होने पे और जो अव्यवस्था होने पे सवाल उठा रहे हैं, तो क्या सरकार उनके ऊपर एनएसए लगाएगी, उनकी संपत्ति जब्त करेगी या सरकार ये बताए। एक तो सरकार लोगों की मदद नहीं कर पा रही है, लोग में हाहाकार मचा है, ऊपर से सरकार धमका भी रही है। ये सरकार है या तानाशाही है? ये पहली बार है हमारे देश के अंदर में देखने को मिला है कि सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए लोगों पे। वहीं अब एक बार फिर कोरोना के तीसरी लहर की बातें हो रही हैं। ऐसे में सरकार की ओर से क्या तैयारियां हैं? क्या सरकार ने बच्चों के लिए आईसीयू बेड की व्यवस्था कर ली है? क्या यूपी का हेल्थ स्ट्रक्चर ठीक हो गया है? क्या यहां के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स की कमी पूरी हो गई है? इन सवालों का जवाब भविष्य के गर्भ में छुपा है, क्योंकि अगर तीसरी लहर आती है तो एक बार फिर देश भर की स्वास्थ्य व्यवस्था का चेकअप हो जाएगा। सियासत और देश में इस वक्त काफी कुछ घट रहा है। कहीं विपक्ष की एकजुटता है तो कहीं मंत्रिमंडल का विस्तार तो कहीं कोरोना की मार। फिलहाल इसी के साथ हमारे इस खास शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।